सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी जांच में लग गई है। अब रिया चक्रवर्ती मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी के दफ्तर जाते वक्त रिया पेपराजी के कैमरे में कैद हुई। रिया से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ की। ईडी ने रिया से तीखे सवाल पूछे। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। ईडी ये भी जानना चाहती है कि क्यों सुशांत के अकाउंट से रिया को लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब जांच सीबीआई के पास है। इससे पहले मुंबई पुलिस की जांच के दौरान ही ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। दूसरी ओर बीएमसी ने बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 6 दिनों तक होम क्वारंटीन करने के बाद मुक्त कर दिया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। देर रात जारी किए गए एक आदेश में बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त ने तिवारी को होम क्वारंटीन से रिहा करने की अनुमति दी। गौरतलब है कि बिहार पुलिस ने गुरुवार को बीएमसी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तिवारी को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए अपने गृह राज्य में वापसी के लिए होम क्वारंटीन से छोड़ा जाना चाहिए।